Hello everyone, welcome to my channel Commerce Center. Hope you all are doing well. So today's topic for discussion is part 2 of marginal costing. जो part 1 है उसका link है description में. तो इस part को consider करने से पहले अगर आपने वो part नहीं देखा है तो आप उसको पहले देखिए और फिर इस part को आप देखिए. After this video, you will be acquainted with break-even analysis or cost-volume-profit analysis, break-even point, margin of safety, cash break-even point, angle of incidence, applications of this technique. Start करते हैं break-even analysis और cost-volume-profit analysis से. अब ये जो दोनों terms है ना, वो interchangeably यूज की जाती है. ब्रेक इवन एनालिसिस और सीवीपी एनालिसिस जो है वो सेकेंड बेसिक टूल है मार्जिनल कॉस्टिंग का. फर्स्ट बेसिक टूल हमने पार्ट वन में किया है, दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन एनालिसिस. तो बात करते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस और सीवीपी एनालिसिस. अगर हम इनकी बात करें नैरो सेंस में इनका मतलब क्या होता है, तो नैरो सेंस में ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे डिटरमाइन होता है वो लेवल ऑफ एक्टिविटी जहां पर टोटल कॉस्ट इक्वल होती है टोटल सेल्स के. दैट मींस ब्रेक इवन एनालिसिस और सीवीपी एनालिसिस इन नैरो सेंस रेफर्स टू उस लेवल ऑफ एक्टिविटी जहां टीसी इक्वल्स टू टीएस होगा. दैट मींस कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा या कोई भी लॉस नहीं होगा. उसके बाद नेक्स्ट आता है ब्रॉडर कॉन्सेप्ट. ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में ब्रेक इवन एनालिसिस या सीवीपी एनालिसिस क्या होता है, डिटरमाइन करना प्रोबेबल प्रॉफिट्स किसी भी लेवल ऑफ एक्टिविटी पे. मतलब ये बोलता है कि हमें सिर्फ वो लेवल ऑफ एक्टिविटी नहीं देखनी जहाँ पे टीसी इक्वल्स टू टीएस होगा. किसी भी लेवल ऑफ एक्टिविटी पे जब डिटरमाइन किए जाएंगे प्रोबेबल प्रॉफिट्स तो उसको बोला जाएगा ब्रेक इवन एनालिसिस या सीवीपी एनालिसिस. या आप नेम से भी देख सकते हैं. देखिए सीवीपी एनालिसिस का मतलब क्या, कि जो भी नेट इफेक्ट पड़ रहा है किस पे, प्रॉफिट्स पे. जो भी नेट इफेक्ट पड़ रहा है प्रॉफिट्स पे जब कॉस्ट एंड वॉल्यूम के अंदर चेंज आ रहा है. देखिए इट शोज द नेट इफेक्ट दैट फ्लक्चुएशन या चेंज इन कॉस्ट एंड वॉल्यूम हैज ऑन प्रॉफिट. मतलब जब भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर कोई चेंज आ रहा है या वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के अंदर कोई चेंज आ रहा है तो उनका अफेक्ट प्रॉफिट्स पे क्या पड़ता है वो बताता है वे सीवीपी एनालिसिस और ब्रेक इवन एनालिसिस. एक और इंपॉर्टेंट बात, सेलिंग प्राइस के अंदर भी अगर चेंज आता है ना तो उसका भी इफेक्ट प्रॉफिट्स पे पड़ता है. दैट मीन्स ये वाली चीज भी किसके थ्रू देखी जाती है, ब्रेक इवन एनालिसिस और सीवीपी एनालिसिस के थ्रू. तो रिलेशनशिप किसके बीच में एस्टैब्लिश करते हैं ये एनालिसिस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो अभी हमने पढ़ा कॉस्ट, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन दैट मीन्स वॉल्यूम, प्रॉफिट्स एंड सेलिंग प्राइस इज एस्टैब्लिश बाय दिस एनालिसिस. तो जो रिलेशनशिप जो है एस्टैब्लिश किया जाता है इस एनालिसिस के थ्रू वो किन किन के बीच में किया जाता है, मेनली कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट्स एंड सेलिंग प्राइस. जितना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ आउटपुट होगा उतनी पर यूनिट कॉस्ट कम होगी एंड द वाइस वर्सा केस, और उसी के अकॉर्डिंगली आपका प्रॉफिट भी चेंज होगा. नेक्स्ट टॉपिक है वो है अजम्पशंस ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस और कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस. तो देखिए फर्स्ट अजम्पशन क्या है, कि जो सेल्स प्राइस है पर यूनिट को क्या रहने वाला है, कॉन्स्टेंट रहने वाला है. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी कॉन्स्टेंट रहने वाली है. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी जो है वो कॉन्स्टेंट रहने वाली है. जो भी प्रोड्यूस किया जाएगा वो सब का सब बेचा जाएगा. दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इक्वल्स टू सेल्स. जो कॉस्ट है वो अफेक्टेड होती है जब लेवल ऑफ एक्टिविटी के अंदर चेंज आता है, या कह लीजिए जब वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के अंदर चेंज होगा तो कॉस्ट भी चेंज होगी. कोई भी चेंज नहीं होगा मैन्युफैक्चरिंग मेथड में एंड प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन में. दैट मीन्स शॉर्ट रन और शॉर्ट पीरियड की बात की जा रही है. तो ये थे कुछ अजम्पशंस ब्रेक इवन एनालिसिस की या फिर कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस की. अब ये जो एनालिसिस है उनका एक वाइड स्पेक्ट्रम है यूसेज का, एंड ये सर्व करते हैं एज अ टूल फॉर प्लानिंग, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग. तो सबसे पहले प्लानिंग की बात करते हैं. ये जो एनालिसिस है वो टू प्लानिंग्स को, टू टाइप ऑफ प्लानिंग्स को ही मर्ज करते हैं, रेवेन्यू प्लानिंग को और कॉस्ट प्लानिंग को. देखिए कैसे, सीवीपी एनालिसिस दैट मींस कॉस्ट
कॉस्ट का मतलब हो गया कॉस्ट प्लानिंग, एंड वी वॉल्यूम प्रोडक्शन, यहाँ पे जितना प्रोड्यूस किया जाता है उतना बेचा जाता है, दैट मीन्स रेवेन्यू प्लानिंग भी हो सकती है। तो ये जो एनालिसिस है वो कॉस्ट प्लानिंग और रेवेन्यू प्लानिंग को मर्ज करता है एक ही एनालिसिस में और हेल्प करता है अफेक्ट दिखा सके प्रॉफिट्स पे जब डिफरेंट लेवल ऑफ सेल्स होती हैं एंड डिफरेंट लेवल ऑफ कॉस्ट होती हैं। क्लियर? तो फर्स्ट इज प्लानिंग। नेक्स्ट वन क्या है, जो ये एनालिसिस है वो सर्व करता है एज अ टूल फॉर कंट्रोल भी। वो किस तरीके से, देखिए फिफ्थ अजम्पशन देखिए कि जो कॉस्ट है यहाँ पे इफेक्टेड होती है जब लेवल ऑफ एक्टिविटी के अंदर चेंज होता है या फिर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के अंदर चेंज होता है। तो जब इन चीज़ों के अंदर चेंज होगा तो सीवीपी एनालिसिस उसका अफेक्ट प्रॉफिट्स पे अपने आप ही दिखा देगा। जब वो प्रॉफिट्स पे उसका इफेक्ट दिखा देगा तो ईजिली जो कंट्रोल एक्सरसाइज किया जा सकता है कॉस्ट पे और जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है इन रिटर्न वो इंक्रीज हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग जो ब्रेक इवन एनालिसिस है या फिर जो सीवीपी एनालिसिस है वो मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, लाइक वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीजंस लेने में हेल्प करता है, डिटरमाइन करना सेल्स मिक्स या फिर एक्सप्लोर करना न्यू मार्केट्स या फिर डिसकॉन्टिन्यूस करना है मान लीजिए किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन का तो उसके डिसीजन के लिए, या फिर मेक और बाय डिसीजंस होते हैं, इस टाइप के डिसीजंस में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है सीवीपी या फिर ब्रेक इवन एनालिसिस। और ये जो डिसीजंस है मैं आपको इनको डिटेल में जब एप्लीकेशंस कराऊंगी लास्ट टॉपिक में मार्जिन पोस्टिंग की, तो उस टाइम पर मैं इनको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। तो हम नटशेल के अंदर क्या बोल सकते हैं कि जो सीवीपी एनालिसिस है और जो ब्रेक इवन एनालिसिस है वहाँ पर जो प्रॉफिट्स हैं वो अफेक्टेड होते हैं विद द इंटरप्ले ऑफ कॉस्ट वॉल्यूम एंड सेलिंग प्राइस। अब देखिए दूसरी बात यहाँ पर क्या होती है, जो मैनेजर्स हैं वो इन एनालिसिस को यूज़ करते हैं ताकि वो डिटरमाइन कर सकें ब्रेक इवन पॉइंट को, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को एंड प्रॉफिट एंड लॉस को एट वेरियस लेवल ऑफ आउटपुट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर जो टोटल कॉस्ट है वो टोटल सेल्स के एग्जैक्टली इक्वल होती है, दैट मीन्स TC=TS होता है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ना तो प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है, तो इसी वजह से इसको डिजिग्नेट किया जाता है नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट से। अब ब्रेक इवन पॉइंट को अगर आप दूसरे शब्दों में बोले तो वो एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो जस्ट सफिशियंट होता है कि वो रिकवर कर सके सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट को। अब देखिए हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसमें से जब फिक्स्ड कॉस्ट मेट हो जाती है तो जो सरप्लस बचता है वो प्रॉफिट्स होते हैं। तो यहाँ पर ये एक ऐसा पॉइंट है सिर्फ जो सिर्फ कंट्रीब्यूशन जो है रिकवर कर पा रहा है फिक्स्ड कॉस्ट को, कुछ सरप्लस ही नहीं बच रहा, दैट मीन्स कुछ प्रॉफिट नहीं बच रहे। द ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट एट विच कंट्रीब्यूशन इज जस्ट सफिशिएंट टू रिकवर द फिक्स्ड कॉस्ट। क्लियर? अब ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो आउटपुट का भी हो सकता है, वो सेल्स का भी हो सकता है। अगर वो आउटपुट का है तो वो एक्सप्रेस्ड होगा फिजिकल यूनिट्स के फॉर्म में, और अगर वो सेल्स का है तो वो रिप्रेजेंट होगा रुपये वैल्यू की फॉर्म में। अब डायग्राम से देखिए ओ एक्स एक्सिस पे आपके पास है यूनिट सोल्ड, ओ वाई एक्सिस पे आपके पास है रेवेन्यूज, दिस लाइन रिप्रेजेंट टोटल सेल्स, दिस लाइन रिप्रेजेंट टोटल कॉस्ट, और जहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को बोला जाता है ब्रेक इवन पॉइंट, दैट मीन्स नो प्रॉफिट एंड लॉस नो लॉस पॉइंट। क्लियर? अब फॉर्मूलाज देख लेते हैं ब्रेक इवन पॉइंट के वो क्या हैं। तो अगर हम सेल्स की बात करेंगे तो हमने जैसे पीछे पढ़ा रुपी वैल्यू में शो होगा ब्रेक इवन पॉइंट एट सेल्स, और ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ आउटपुट की बात करेंगे तो फिजिकल यूनिट्स में शो होंगे ये। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ सेल्स की। सेम वही बात जो हमने पिछले वीडियो में किया फर्स्ट पार्ट के अंदर कि पीवी रेशियो जो है हमारा एक पैरेंट फॉर्मूला है, वहीं से ही हमारे अदर फॉर्मूलाज जो डिराइव होंगे। तो ये यहाँ पर भी हम वही चीज़ करने वाले हैं, तो इसी के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फर्स्ट पार्ट को पहले देखिए ताकि आपको सेकंड पार्ट अच्छे से क्लियर हो। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला एट ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन ब्रेक इवन सेल्स, या कह लीजिए सेल्स। अब प्रॉफिट्स तो ब्रेक इवन पॉइंट पे होते नहीं है तो प्रॉफिट जीरो, तो सिंपल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। क्लियर? अब इसको आप और कैसे लिख सकते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट तो ऊपर रहेगा, पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड अपॉन सेल्स। तो उस तरीके से ये फॉर्मूला बन गया है हमारा। नेक्स्ट, अब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट को और कैसे लिख सकते हैं, कंट्रीब्यूशन है ना, तो फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन टोटल कंट्रीब्यूशन इनटू सेल्स, ये हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला हो गया।
अब ब्रेक इवन पॉइंट को अगर आप आउटपुट के टर्म्स में बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला रहेगा फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, या फिर ब्रेक इवन सेल्स अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अब देखिए सेल्स कैसे निकलता है, जब आप आउटपुट को मल्टीप्लाई करते हैं प्राइस पर यूनिट से, तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ आउटपुट। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ब्रेक इवन सेल्स अपॉन प्राइस पर यूनिट। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, जब टोटल सेल्स में से माइनस कर दी जाती है जो सेल्स होती हैं ब्रेक इवन पॉइंट पे, उसको बोला जाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज व्हाट, टोटल सेल्स माइनस सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट इज नोन एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो जितना कम आपका ब्रेक इवन पॉइंट रहेगा उतनी ज्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा, जितना ज्यादा ब्रेक इवन पॉइंट रहेगा उतना कम मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है, टोटल सेल्स अपॉन सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट, या फिर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। और ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा वाइडली यही यूज होता है, इसको ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल से देखते हैं, मान लीजिए टोटल सेल्स है आपके पास 150,000 की, ब्रेक इवन सेल्स है 100,000 की, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना हो जाएगा, 150,000 माइनस 150,000, ठीक है। तो आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया 50,000। और वहीं पे आप देखिए, अगर यहाँ पर अब आपकी ब्रेक इवन सेल्स 50,000 की होती, अभी यहाँ पे 100,000 की थी ना, मान लीजिए ये 50,000 की होती, तो अब आपके पास जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो कितना रहता, 100,000 का। क्लियर। तो जितना कम ब्रेक इवन पॉइंट होगा उतना ज्यादा आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहेगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्सप्रेस कर सकते हैं आप एज अ परसेंटेज टू टोटल सेल्स भी, तो वो कैसे होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपॉन टोटल सेल्स इनटू 100। जितना ज्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा उतना कम ब्रेक इवन पॉइंट होगा, और वो क्या शो करेगा कि आपकी जो बिजनेस है उसकी साउंडनेस को वो शो करेगा। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है कैश ब्रेक इवन पॉइंट। कुछ नहीं है ब्रेक इवन पॉइंट के आगे, जस्ट कैश लग गया है। तो देखिए, ये वो लेवल ऑफ आउटपुट होता है, वो लेवल ऑफ सेल्स होते हैं जहाँ पे जो कैश फ्लो है जस्ट इक्वल होती है जितना आपको कैश चाहिए, सो दैट आप इमीडिएट कैश लायबिलिटीज को पे ऑफ कर सके, उसको बोला जाता है कैश ब्रेक इवन पॉइंट। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या रहता है, कैश फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कैश कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। हमने पीछे किया था ना आउटपुट के केस में, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या था, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो कैश ब्रेक इवन पॉइंट है तो इसका क्या हो जाएगा, जस्ट आगे कैश लग जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा कैश फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कैश कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब इस फिक्स्ड कॉस्ट के लिए ना दो कैटेगरीज बनाई गई हैं फिक्स्ड कॉस्ट की। तो फर्स्ट कैटेगरी है जहां पर इमीडिएट कैश आउटले की कोई जरूरत नहीं होती है, लाइक डेप्रिसिएशन, डेफर्ड एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। और नेक्स्ट कैटेगरी है जहां पर इमीडिएट कैश आउटले की जरूरत पड़ती है, लाइक रेंट, सैलरीज एक्सेट्रा, तो हमको इसका नीड है, इसका नीड नहीं है। एग्जाम्पल से देखते हैं, सेलिंग प्राइस गिवन है 10 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवन है 6, फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है 5,000। जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो इंक्लूड करती है 2,000 एज डेप्रिसिएशन, जिसमें जो 50% है उसको माना गया है वेरिएबल कॉस्ट और उसको इंक्लूड कर लिया गया है वेरिएबल कॉस्ट में। दैट मीन्स 2,000 का 50% 1,000, उसको तो वेरिएबल कॉस्ट मान लिया गया है और उसको इंक्लूड कर लिया गया है, चलो ये बात तो समझ आ गई। बट जो 1,000 बच गया, अब ये तो वो 1,000 बच गया ना जिसको इमीडिएट कैश आउटले की जरूरत नहीं है, वो उस फिक्स्ड कॉस्ट की कैटेगरी में आता है और इसको तो हम लेकर ही नहीं चलते, तो इसको हमें हटाना पड़ेगा। तो कैश फिक्स्ड कॉस्ट में 5,000 माइनस 1,000 करेंगे, दैट इज 4,000। और नीचे डिनोमिनेटर में क्या होगा, कैश कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो 10 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 4, 4,000 अपॉन 4 इक्वल्स टू 1,000 यूनिट्स आ जाएंगी। क्लियर। तो कैश ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ आउटपुट कितना आया, 1,000 यूनिट्स। नाउ एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, ये एक ऐसा एंगल होता है जो कि किसके बीच में बनता है, टोटल जो कॉस्ट लाइन होती है और जो टोटल सेल्स लाइन होती है उन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो टॉपिक है एंगल ऑफ इंसिडेंस का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एनटीए पर्पस के लिए भी, एनटीए नेट पर्पस के लिए भी, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन में एज अ 2 मार्क्स टर्म भी आ सकती है। अब देखिए जो एंगल है वो फॉर्म कैसे होता है,
जब कंपनी का जो सेल्स लाइन है वो इंटरसेक्ट करता है कंपनी के कॉस्ट लाइन से ब्रेक इवन चार्ट में, तो इस तरीके से ये जो एंगल है वो फॉर्म होता है। और ये जो एंगल है वो रिप्रेजेंट क्या करता है कि किस रेट से कंपनी जो है वो प्रॉफिट को अर्न कर रही है। तो पहले डायग्राम से देख लेते हैं ये एंगल है क्या। देखिए ओ एक्स एक्सिस पे आपके आउटपुट शो होते हैं, ओ वाई एक्सिस पे कॉस्ट एंड सेल्स। दिस लाइन रिप्रेजेंट्स टोटल रेवेन्यू एंड दिस लाइन रिप्रेजेंट टोटल कॉस्ट। जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है वो है ब्रेक इवन पॉइंट। और इंटरसेक्शन के बाद यहाँ पर जो ये एंगल बना रही है दोनों लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर। ये देखिए जो टोटल रेवेन्यू है और जो टोटल कॉस्ट है इनका जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट्स। तो जितना ज्यादा, देखिए थंब रूल क्या है, जितना ज्यादा ये एंगल होगा, जितना बड़े ये एंगल होगा उतने ही ज्यादा प्रॉफिट्स होंगे, और जितना छोटा ये एंगल होगा उतने ही कम प्रॉफिट्स होंगे। क्लियर। और लार्ज एंगल ऑफ इंसिडेंस रिप्रेजेंट करता है कि जो कंपनी है वो ज्यादा रेट से प्रॉफिट अर्न कर रही है, और स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या शो करता है, जो कंपनी है वो प्रॉफिट अर्न कर रही है लोअर रेट से। क्लियर। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस शो करता है रेट ऑफ प्रॉफिट अर्निंग्स ऑफ अ कंपनी। लास्ट टॉपिक आता है हमारे वीडियो का, वो है एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक। तो इसके फ्यू एप्लीकेशन है, तो जिसमें फर्स्ट एप्लीकेशन है फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। इसमें क्या होता है, जो मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक है हमने पढ़ा है कि इसमें जो प्राइस है वो इक्वल टू होता है मार्जिनल कॉस्ट प्लस रीजनेबल लेवल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट, और रीजनेबल लेवल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि कॉन्ट्रीब्यूशन एटलीस्ट इतना तो हो कि आपके फिक्स्ड ओवरहेड कवर हो जाए और कुछ बच जाए सरप्लस जो कि प्रॉफिट्स हो। तो मार्जिनल कॉस्टिंग हेल्प करती है इन फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट प्लस अ रीजनेबल लेवल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट इज मेंटेनिंग अ डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट। अब ये बात हमने पिछले वीडियो में विद एग्जाम्पल की है कि मान लीजिए हमें ये पता है कि मुझे इतना प्रॉफिट कमाना है, या फिर मुझे इतना प्रॉफिट, इतना लेवल ऑफ प्रॉफिट मेंटेन करके रखना है, तो उसके लिए कितनी हमें सेल करनी पड़ेगी, तो उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग हेल्प करती है मेंटेन करने में एक डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट्स को भी। नेक्स्ट आता है एक्सेप्टिंग ऑफ प्राइस लेस देन कॉस्ट। इसमें क्या होता है, देखिए कुछ कई बार सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जहां पर आपको प्राइस फिक्स करना पड़ता है टोटल कॉस्ट से भी कम। ठीक है, मतलब वहां पे सिर्फ आपकी नॉर्मली क्या होता है, जो मार्जिनल कॉस्ट है, जो वेरिएबल कॉस्ट है वही कवर होती है। कौन कौन से सिचुएशंस हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए ट्रेड डिप्रेशन आ गया जहाँ पे शार्प फॉल होता है इन ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शन एक्टिविटीज में, तो वहां पर अगर आपकी मार्जिनल कॉस्ट पे कवर हो जाए ना तो वो भी गनीमत है। और कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस हो सकती है, लाइक आपको एलिमिनेट करना है कॉम्पिटिशन को, या फिर आपको ऐसा लगता है कि अगर अगर शटडाउन हो गया तो काफी ज्यादा लॉस हो जाएगा, तो उस केस के अंदर आप प्रोडक्ट बनाते रहते हैं और बेचते रहते हैं, या फिर जो प्रोडक्ट है जो गुड है वो पैरिशेबल हो, या फिर आपको न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हो मार्केट में उस केस में कर सकते हैं एटसेट्रा। लास्ट आता है अदर डिसीजन इन्वॉल्विंग ऑल्टरनेटिव चॉइसेस। इसमें क्या होता है, वेरियस वेरियस डिसीजंस को लेने में मार्जिनल कॉस्टिंग हेल्प करती है। तो मान लीजिए फर्स्ट डिसीजन है डिटर्मिनेशन ऑफ सेल्स मिक्स या प्रोडक्ट मिक्स, कि कौन कौन से हमें प्रोडक्ट रखने हैं। तो इसमें क्या है, जिस प्रोडक्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होगा उसको हाई प्रायोरिटी दी जाएगी, जिसका कम होगा उसको लो प्रायोरिटी दी जाएगी, जिसका नेगेटिव होगा उसको तो निकाल ही दिया जाएगा। नेक्स्ट डिसीजन मान लीजिए है एक्सप्लोरिंग द न्यू मार्केट्स। इसमें क्या होगा, वेदर आप एक्सप्लोर कर रहे हैं इंडियन मार्केट को या फॉरेन मार्केट को, तो उसके प्राइस सेटिंग में भी मार्जिनल कॉस्टिंग हेल्प करती है कि एटलीस्ट इतना प्राइस तो हो कि आपके वेरिएबल कॉस्ट तो कवर हो जाए, मान लीजिए अगर आप बाहर बेच रहे हैं तो। और आपके डिसीजंस हो सकते हैं, या फिर आपका नेक्स्ट डिसीजन हो सकता है मेक और बाय डिसीजन। इसमें क्या होता है कि आप ये देखते हैं कि वेदर एक पर्टिकुलर पार्ट, एक फिनिश्ड प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर किया जाएगा इंडस्ट्री में या फिर उसको बाहर से खरीदा जाएगा, तो इसके लिए भी मार्जिनल कॉस्ट को देखा जाता है। कैसे, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपेयर की जाती है परचेज प्राइस ऑफ रेलेवेंट मटेरियल से। अगर मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा आती है परचेज प्राइस से तो डिसीजन लिया जाता है कि बाहर से ही खरीदा जाएगा, एंड द वाइस वर्सा केस, या फिर डिसकॉन्टिन्यूस ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन, ये डिसीजन हम मान लीजिए तो वो भी मार्जिनल कॉस्टिंग के बेस पे ही लिया जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट डिसीजन जो है मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिस पे लिए जाते हैं। नाउ टर्न्स फॉर द प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस
Practice question, at which point there is neither any profit nor any loss, that is no profit no loss point. इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है. So that is all about today's video. अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज. कोई भी पर्टिकुलर वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपकी रिक्वेस्ट है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग ज़रूर एक लेक्चर प्रिपेयर करेंगे. थैंक यू, हैव अ नाइस डे ऑल.